एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आजाद नगर रामलला मैदान के अंदर शाहदरा कृष्णा नगर यहाँ सैनिकों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में एक प्रोग्राम रखा हुआ है रामलला मैदान के अंदर। कि सही कहा है, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे और कोई मौसम हो, हम बड़े सुकून की नींद घरों के अंदर सोते हैं। अब सर्दी का मौसम है, हम रजाई तान के बड़े आराम से सोते हैं, लेकिन वो जो सैनिक हैं जो देश के लिए मर मिटने की एक कामना करते हैं, और वो जब जाते हैं और अपने सिर पर कफन बांध कर जाते हैं, कहते हैं हम भारत माता की रक्षा के लिए हम जा रहे हैं, वही उन शहीदों के लिए ही आज एक प्रोग्राम रखा हुआ है। आज हम देखते हैं इस शहीदों के नाम आज जो एक शाम रखी हुई है उसमें क्या प्रोग्राम है। हम शहीदों से मालूम करते हैं, जो आयोजक हैं उनसे मालूम करते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है इनका किस लिए रखा गया है। और जो मैं पोस्टर जो होर्डिंग दिखा रहा हूँ मैं, इसमें लिखा हुआ है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। नीचे जो शहीद हेमराज कोशी मथुरा से हैं जिनकी गर्दन काट ली गई थी, और शहीद लांद नायक सुधाकर मध्य प्रदेश से हैं, शहीद जगदीश बिश्नोई जी बीकानेर राजस्थान से हैं, शहीद दलवीर सिंह रोहतक हरियाणा से हैं, और शहीद जसवंत सिंह झज्जर हरियाणा से हैं। इस तरीके से बहुत तादाद के अंदर जो शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, देश के खातिर कुर्बानी दी, और आज उनको सम्मान देने के लिए कुछ यहाँ की जो संस्थाएं उन्हें सम्मान दे रही हैं, और देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और आज हमारे जो भारत के नौजवान साथी हैं या जो नौजवान युवक हैं वो फौज में जाने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं हम भी देश के लिए काम करें, हम भारत के लिए काम करेंगे। जैन संस्था एक बहुत ही अच्छा काम करने वाली है। जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए अपनी जान दी है, उनके परिवारों को सम्मानित कर रही है। एक छोटी सी राशि देकर या उनको सम्मान देकर उस शहीद की क्षतिपूर्ति कभी पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन एक छोटा सा कदम और बहुत अच्छा कदम है उनके परिवार के लिए, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और आने वाले समय में जो हमारे देश के और भी नौजवान हैं सेना में भर्ती होने के लिए उनको प्रोत्साहन मिले, वो सेना में भर्ती हों और देश के लिए हर जवान उसके लिए लड़े। मेरा नाम है एजाजुल हक। आपने ये तिरंगा ले रखा है, ये क्यों ले रखा है, क्या कारण है? ये हम लोगों ने शहीद को सम्मान दे रहे हैं जो हमारे देश को रक्षा करता है, चाहे वो आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, वो हमारे देश की जवान है, हम इनको शहीद करेंगे और लोगों को जागरूक, मतलब जो शहीद हुआ है देश के लिए इनको हम सम्मानित करेंगे, ताकि इसलिए कर रहे आम लोग इनके लिए जागरूकता हो, उनके अंदर वो भी प्रेरणा मिले, ताकि जिस तरह से हम कर रहे हैं अपने जवानों के लिए, ताकि जवानों को सम्मान दे रहे और भी लोग देश की 125 करोड़ जो भी आम आदमी सब इनके साथ खड़े हो, इन शहीद परिवारों को सम्मानित करें। इसलिए हम आगे एक कदम उठाया और देश की जनता को हम ये यहाँ से आश्वासन देते हैं ताकि वो भी अपना एक कदम आगे बढ़ाइए इन शहीदों के लिए। और आगे चलते हैं कि ये जो सभी के हाथों में, अधिकतर नौजवान युवा हैं, इनों के हाथ में तिरंगा झंडा है, और ये इससे प्रतीत होता है कि आज भी इनके अंदर एक क्षमता है, और ये जाहिर करना चाहते हैं कि हम भारत माँ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम मिटने के लिए तैयार हैं। आइए और आगे चलते हैं।